बिपरजॉय तूफान का असर भले ही 24 घंटे से कम के वक्त में कम हो गया हो, लेकिन गुजरात को तबाही से बचाने के लिए कई फोर्सेस थी जो मोर्चे पर डटी हुई थी। इनमें से एक थी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ ने बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसानों और अपने ऑपरेशंस के बारे में खुलकर बताया है। बिपरजॉय से हुए नुकसान का आकलन भी अब लगाया जाने लगा है। नेशनल डिजास्टर्स रिस्पॉन्स फोर्स की माने तो इस चक्रवात के लैंडफॉल के बाद किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। इस तूफान में करीब 500 घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते 800 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। तूफान के चलते 23 लोगों को चोटें आई हैं। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल ने तूफान के दौरान हुए नुकसान पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। अतुल करवाल की माने तो तूफान के लैंडफॉल से पहले ही 2 लोगों की जान जा चुकी थी। ये काफी दुखद है, लेकिन लैंडफॉल के बाद एक भी व्यक्ति की जान इसमें नहीं गई। इस दौरान 500 घरों को नुकसान पहुंचा। इनमें से अधिकांश झोपड़ी थी या फिर बिना कंक्रीट के बने मकान थे। कंक्रीट के बने मकानों को हुआ नुकसान केवल सिंगल डिजिट यानी कि 10 से कम की संख्या में है। फोन की कनेक्टिविटी भी बनी हुई थी। 23 लोग लैंडफॉल के बाद तूफान के चलते चोटिल हुए। कुल 800 पेड़ भी उखड़ गए हैं। एनडीआरएफ के डायरेक्टर ने आगे ये भी बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं, क्योंकि यहां पर भीषण बारिश होने के आसार हैं। यह तूफान अब बेहद खतरनाक से केवल खतरनाक की श्रेणी में रह गया है। आने वाली शाम तक इसमें और गिरावट हो जाएगी और ये भी बताया गया है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। कच्छ और आसपास के इलाकों में बेहद तेज हवाएं चल रही हैं। अब ये हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी धीमी हैं। केवल राजकोट में ही तेज बारिश हुई। सड़कें साफ हैं और एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये भी बताया गया है कि राजस्थान में बेहद अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार की शाम और शनिवार को ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। तूफान का लैंडफॉल गुजरात में गुरुवार शाम 6:30 बजे के आसपास हुआ था और इस दौरान 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। सरकार ने पहले ही करीब 1,00,000 लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।